सो हेलो मेरे प्यारे गोल मटोल भाई लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ कि सभी बढ़िया होगे, मस्त होगे एंड मजेदार होगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लॉन्ग रेंज की गन से ओनली वन टैप हेडशॉट कैसे मार सकते हैं। जी आगा, जो कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, जिसको यूज करने के बाद आपका हर टैप वन टैप ही लगेगा, जो कि मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, आपका ओनली वन टैप में हेडशॉट ही लगेगा। फिर चाहे आपके पास कोई भी गन हो या कोई भी एंगल हो, जैसे कि यहाँ पर ड्रैगन हो, एसके है, तो कोई जो कि वुडबैक करे ना, तो भी आप इजीली वन टैप मार सकते हैं। एंड जो कि आप एंगल के बारे में अगर बात करें ना, तो शॉर्ट रेंज का एंगल हो या तो लॉन्ग रेंज का एंगल हो, फिर भी आप जो कि ओनली वन टैप में इजीली वन टैप मारना सीख जाओगे। इसलिए क्या करना है कि वीडियो के अंदर देखना है एंड मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला, जो कि आपको मैं स्टेप बताने वाला, उसको फॉलो करना गाइस। ठीक है, अगर जो भाई इसको फॉलो कर देते ना, तो इजीली वन टैप में जो कि हेडशॉट मारना सीख जाएगा। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड जो भाई चैनल पर पहली बार, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चले गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो कि हम पहले स्टेप के बारे में बात करने वाले ना, वो स्टेप होने वाला कि आप शॉर्ट टाइम में जो कि आप लॉन्ग रेंज की गन से हेडशॉट कैसे मार सकते हैं। जो कि आप पर बहुत सारे भाई की डिमांड थी कि जो कि हम शॉर्ट टाइम में लॉन्ग रेंज की गन से हेडशॉट नहीं मार पा रहे, तो आप कौन सी मिस्टेक करते। तो यहाँ पर आप देख सकते कि सबसे पहले यहाँ पर मैं जो कि अनलॉक कर रहा हूँ, उसके बाद जो कि आप ड्रैग बटन को नीचे की ओर से ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ। जी हाँ गाइस, जो कि देख सकते कि आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले एम किया, उसके बाद जो कि आप ड्रैग बटन को नीचे की ओर से जो कि ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ। आपको ऐसे करने से क्या होगा कि आपका सबसे पहले जो कि एम है ना, वो जो कि सामने वाले बंदे के आसपास लेके जाएगा। एंड जो कि आप जब भी मतलब कि अपने मूवमेंट को ऊपर की ओर लेके जाओगे ना, तो आपको मतलब कि ड्रैग बटन को नीचे को लेके जाना है। एंड जो कि सबसे पहले उसके बाद क्या करने की ऊपर की ओर लेके जाना गाइस। ठीक है, ऐसे करने से आपका जो एम लोग है ना, जो कि सामने वाले बंदे के आसपास जो कि हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो कि ड्रैग बटन को जैसे नीचे की ओर खींचोगे ना, तब तक जो कि आपका एम लोग है ना, जो कि सामने वाले बंदे के हेड पर जो कि ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जैसे ड्रैग करते हैं यानी कि वन टैप मारने का ट्राई करते हैं ना, तो आपका इजीली वन टैप जो कि यहाँ पर हेडशॉट लग जाएगा। तो गाइस, ये था जो कि हमारा पहला स्टेप, जिसको आप इजीली समझ चुके होंगे। अब चलेंगे जो कि बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में, यानी कि आपको लॉन्ग रेंज में कैसे हेडशॉट मारना। तो यहाँ पर जो कि मैंने आपको पहले स्टेप के अंदर यानी कि शॉर्ट रेंज में कैसे हेडशॉट मारने, इसी स्टेप को फॉलो करना। जो कि इस स्टेप को फॉलो करते हैं ना, तो आपका इजीली वन टैप जो कि यहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलेंगे इस बात करते हैं स्टेप नंबर टू के बारे में, यानी कि आपको जो कि ड्रैग बटन को जो कि सही लोकेशन एंड जो कि सही जो कि मैक्सिमम साइज रखना पड़ेगा, तभी जो कि आप इजीली वन टैप मार पाओगे। तो चलेगा जो कि इसके बारे में बात करते हैं कि इसका मैक्सिमम साइज कितना रखना है एंड जो कि यहाँ पर इसको कहाँ पर रखना है, यानी कि लोकेशन कहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जो कि यहाँ पर कस्टम एच डी के अंदर आ जाना है। एंड जो कि सबसे पहले अगर बात करें ना, तो यहाँ पर बहुत सारे भाई क्या कहते हैं कि जो कि ड्रैग बटन को बहुत ही ज्यादा नीचे की ओर रखते हैं, यानी कि जो कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जैसे रख रहा हूँ ना, उस तरह जो कि यहाँ पर नीचे की ओर रखते हैं, और जो कि यहाँ पर मतलब कि नीचे का जो कि इसको मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको इस तरह से नहीं रखना गाइस। ठीक है, एंड जो कि बहुत सारे भाई क्या कहते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा ऊपर की ओर रखना है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर की ओर रखते हैं, और इससे क्या होता है कि आपको ड्रैग नहीं कर पाते ना, तो आप इजीली वन टैप नहीं मार पाते गाइस। ठीक है, इसलिए क्या करना है कि आपको नीचे की ओर भी नहीं रखना है एंड जो कि इसको बहुत ज्यादा ऊपर की ओर भी नहीं रखना गाइस। ठीक है, जो कि यहाँ पर जहाँ पर के दिखा रहा ना, वहाँ पर रख लेना, यानी कि इसका सही लोकेशन ये है। अब चलेगा जो कि इसके मैक्सिमम साइज के बारे में बात करते हैं, यानी कि ड्रैग करने के लिए इसका साइज कितना रखना। तो यहाँ पर बहुत सारे भाई इसको बहुत ही छोटा रखते हैं एंड जो कि यहाँ पर बहुत सारे भाई क्या करते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा रखते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको जो कि यहाँ पर 45 से लेकर जो कि यहाँ पर 60 तक रख लेना गाइस। ठीक है, जो कि इसका मैक्सिमम साइज है ये है। एंड जो कि यहाँ पर इस तरह से जो कि रखोगे ना, तो आप इजिली जो कि यहाँ पर ड्रैग भी कर पाओगे एंड जो कि पर इजिली वन टैप भी मार सकते हैं। तो चले गए जो कि यहाँ पर ये दो स्टेप है जिनको फॉलो करना है एंड फॉलो करने के बाद आप इजिली किसी भी एंगल में जो कि सामने वाले बंदे को हेडशॉट मार सकते। और हाँ गाइस, वीडियो को बाय करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको डायरेक्ट गेम खेलने के लिए नहीं चले जाना गाइस। ठीक है, आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ जाना है एंड जो कि पर आधा घंटा या तो जो कि एक घंटा को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर खेलना गाइस। ठीक है, जो कि इस तरह से खेलोगे ना, तो आपका फास्ट तरीके से एंड जो के ऊपर बहुत ही इजिली
व्हाट्सएप लगना स्टार्ट हो जाएगा एंड जो कि बहुत ही आसानी से जो कि हेडशॉट भी मार पाओगे। तो गाइस ये इंस्टा को फॉलो करना है एंड यहाँ पर वीडियो को बाय बाय करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना गाइस। ठीक है, इतना सा करने से आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन गाइस यहाँ पर अपने बाइक को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा यानी कि सपोर्ट मिलेगा ना, तो आपका जो बाइक जो कि मोटिवेशन हो जाएगा एंड जो कि इससे भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया दूसरे वीडियो लेके आएगा। तो चलिए गाइस जो कि आज की वीडियो इतनी ही और ऐसी और एक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।